मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, उनकी उनके पार्टी की एक अहम भूमिका है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक अहम भूमिका है। और बहुत खूबसूरती से आपने प्रश्न पूछा ताकि पता चल जाए कि मेरे पास कौन कौन सी सीटें हैं। बट हाँ, जो भी सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास आई हैं उनमें कौन प्रत्याशी होगा ये पार्टी बैठकर इसका फैसला लेगी, पार्टी का संसदीय बोर्ड इसका फैसला लेगा। और वो भी मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, बिकॉज अब अधिसूचना मुझे लगता है जल्द आएगी। तो ऑल द कंसर्न्स, ईच एंड एवरी कंसर्न हैज बीन वेरी 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 वेल एड्रेस्ड। चिराग जी, पारस जी अब राजनीति से संन्यास लेने चिराग जी आपके पास। चिराग जी, एक सवाल यह है कि नीतीश कुमार के साथ भी आपको एक मंच पे खड़ा रहना होगा, एक मंच साझा करना होगा, क्या इसके लिए आप तैयार हैं? देखिए, लक्ष्य आपको तय करने जरूरी है, और जब आप बड़े उद्देश्य की तरफ अग्रसर होते हैं तो वो उद्देश्य आपकी प्राथमिकता बनता है। कई बार कई मौकों पर हर किसी ने अपनी अपने मतों को अलग रखकर गठबंधन के हित में, राष्ट्र हित में फैसले लिए हैं। ऐसे में आज की तारीख में जब मैंने कहा कि 40 की 40 सीटें जीतनी हैं, उसमें यकीनन भारतीय जनता पार्टी की एक अहम भूमिका है, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, उनकी उनके पार्टी की एक अहम भूमिका है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक अहम भूमिका है, तमाम हमारे सहयोगी साथी इस गठबंधन के जितने भी और घटक दल हैं उन सब की एक अहम भूमिका है। ऐसे में हम सबको एक मंच पर आकर एकजुटता दिखाकर 40 की 40 सीटें हम लोग जीते, उस ओर हम लोग को कार्य करना होगा, और तभी हम लोग 400 का जो लक्ष्य है उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे। जमुई से बहुत लोग पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार क्या हमारे नेता जमुई को रिप्रेजेंट करेंगे या नहीं करेंगे। ये अब क्योंकि अब सीटों का बंटवारा हुआ है, और बहुत खूबसूरती से आपने प्रश्न पूछा ताकि पता चल जाए कि मेरे पास कौन कौन सी सीटें हैं। बट हाँ, जो भी सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास आई हैं उनमें कौन प्रत्याशी होगा ये पार्टी बैठकर इसका फैसला लेगी, पार्टी का संसदीय बोर्ड इसका फैसला लेगा। और वो भी मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, बिकॉज अब अधिसूचना मुझे लगता है जल्द आएगी, तो बहुत जल्द ये सारी बातें भी साझा करेंगे। वो आपने नड्डा जी, अमित शाह के सामने अपने कंसर्न्स उठाए, तो उस कंसर्न्स को क्या बीजेपी ने एड्रेस कर दिया है? वेल एड्रेस्ड, ऑल द कंसर्न्स, ईच एंड एवरी कंसर्न हैज बीन वेरी 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 वेल एड्रेस्ड। चिराग जी, पारस जी अब राजनीति से संन्यास लेने नीतीश कुमार चिराग पासवान को वहाँ कुछ हासिल नहीं होने देंगे, क्या आप लोग, आपको जो आरजेडी की ओर से ऑफर है आप कैसे देखते हैं? मैं पुनः मैं दोहराता हूँ, अब हम लोग का लक्ष्य किस तरीके 400 सीटें जीते, जिसमें बिहार का सबसे महत्वपूर्ण योगदान 40 हमारा प्रदेश देता है। अब एक एक सीट पे कैसे हम लोग जीत को हासिल करें, और ना सिर्फ जीत, एक बड़ी जीत। पिछली बार 19 में भी आपने देखा होगा हर सीट पर हम लोग का मार्जिन कितना खूबसूरत था, उस बड़े मार्जिन की जीत। और मेरे मुख्यमंत्री जी के इस गठबंधन में आने से यकीनन ये बात तो हुई है कि जीत का जो मार्जिन है वो हर सीट पे हम लोग का बढ़ेगा, और एक बड़ी जीत की ओर NDA गठबंधन बिहार में और देश में अग्रसर होगा, ये विश्वास।